हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंदी फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था, प्रार्थना। चैप्टर का नाम क्या है? प्रार्थना पढ़ा था। इसकी हिंदी अनुवाद करवाई थी और कुछ कठिन वर्ड आप लोगों को नोटबुक में करवाए थे एंड शब्दार्थ भी मैंने करवाए थे। आई होप आप सभी लोगों ने वो वर्क कॉपी में कर लिया होगा, हिंदी रीडर वाली फर्स्ट वाली कॉपी बनवाई थी उसमें कर लिया होगा। आज हम बुक्स में, क्यों, कुछ बुक्स में वर्क करेंगे और कुछ कॉपीज में वर्क करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रही हूँ और अपने साथ में अपनी बुक्स जरूर लेकर बैठे, बुक्स एंड नोटबुक, क्योंकि कुछ वर्क आप लोगों को बुक में करना है और कुछ आप लोगों को नोटबुक में करना है, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेकर बैठें। अब है, मैं आप लोगों को आज मौखिक का क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ, वो आपको बुक में फिल करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क, बालक अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं? बालक अपना जीवन कैसे बिताना चाहते हैं? तो आप लोगों को मैंने बताया था, बालक अपना जीवन उपकार करके बिताना चाहते हैं, ये आंसर लिखोगे। बालक अपना जीवन उपकार करके बिताना चाहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर ख, बालक किसी का अपकार क्यों नहीं करना चाहते? क्वेश्चन नंबर ख क्या है? बालक किसी का अपकार क्यों नहीं करना चाहते? इसका उत्तर लिखोगे, बालक किसी का अपकार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वे अपने दोषों से दूर रहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर ग, बालक किन लोगों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं? बताया था ना मैंने पहले वीडियो में, बालक किन लोगों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं? किन लोगों को? अपने देश के निवासियों को। तो हम आंसर ऐसे लिखेंगे, बालक भारतवासियों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। क्या आंसर लिखोगे? बालक भारतवासियों को धर्मात्मा बनाना चाहते हैं। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर वन, जो आप लोगों को बुक में ही करना है, मौखिक वाला। अब लिखित वाला क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके लिए आप लोगों को नोट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी कॉपीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप क्या है, अपनी बुक्स एंड कॉपीज दोनों पास में ओपन करके रखो। क्वेश्चन नंबर क, बालक ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर वन क्या है, बालक ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? इससे पहले, लिखने से पहले आप लोग क्या लिखोगे कॉपी में? डेट एंड पार्ट फर्स्ट। क्या लिखोगे? डेट एंड पार्ट फर्स्ट, बस यही लिखना है, चैप्टर का नाम नहीं लिखना है। हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा, बालक ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? इसका उत्तर देखो कैसे लिखोगे, बालक ईश्वर से ज्ञान का वरदान मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बालक ईश्वर से? बालक ईश्वर से ज्ञान का वरदान मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू लिख लिया होगा सबने, समझ में आया होगा सबको, ओके। क्वेश्चन नंबर ख, बालक कैसा बनना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर ख क्या है? बालक कैसा बनना चाहते हैं? कैसा बनना चाहते हैं? दूसरों की भलाई में अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे, उत्तर है, बालक सदाचारी बनना चाहते हैं, अच्छा आचरण करने वाले, बालक सदाचारी बनना चाहते हैं। आया सबको समझ में? कॉपी में कर लिया सबने, ओके। क्वेश्चन नंबर गए, बालक देश के लिए क्या करना चाहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, बालक देश के लिए अच्छे काम करने, दूसरों को न सताने का काम करना चाहते हैं। सबको दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है बच्चों, ओके।
क्या इसका एक बार रिपीट और कर देते हैं इस आंसर को। बालक देश के लिए अच्छे काम करने, दूसरों को न सताने का काम करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक ईश्वर की शरण में क्यों जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बालक ईश्वर की शरण में क्यों जाना चाहते हैं। इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, बालक ईश्वर की शरण में सदाचारी बनने के लिए जाना चाहते हैं। क्या आंसर लिखोगे इसका, बालक ईश्वर की शरण में सदाचारी बनने के लिए जाना चाहते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ये आप लोगों को बेटा नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में करना है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। अब आप लोग वापस अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 7, कौन सा पेज नंबर ओपन करना है, 7। अब मैं आप लोगों को इसमें भी बता देती हूँ, वैसे आप बुक में से फिल कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देती हूँ। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। क्या लिखना है, हम सदाचारी बने। इसके आगे है ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, क्या लिखोगे, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वीर व्रतधारी बने हुए लिखा हुआ है आपके, तो आपको क्या लिखना है, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। खै वाला है, जाय हमारी आयु हे प्रभु देश के उपकार में, क्या लिखोगे, देश के उपकार में। सेकंड लाइन है, हाथ डाले न कभी, हाथ डाले न कभी हम भूल कर अपकार में, यह आप लोगों को बुक में लिखना है। गए वाला है, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम, ये तो आप लोगों को बुक में लिखा हुआ है, पर हो परमात्मा। सेकंड है, इस मही के प्रिय, प्रिय आप लोगों को लिखा हुआ है, तो आप पहले क्या लिखना है, इस मही के प्रिय निवासी हो सभी धर्मात्मा, निवासी हो सभी धर्मात्मा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कहाँ करना है, बुक में फिल करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर लिखित का फर्स्ट कॉपी में करना है, सेकंड में बुक में फिल करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है वो नोटबुक में करना है क्वेश्चन नंबर 2 डालकर। अब ये है, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखोगे कॉपी में, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। कै, बालकों ने ईश्वर को आनंददाता कहा है, ये राइट है या रॉन्ग, क्या है ये, राइट है। इस पे क्या लगाओगे, सही का निशान। सेकंड है, थे, बालक दूसरों का अपकार करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते ना, तो क्या आएगा इसमें, रॉन्ग, गलत का साइन लगाओगे, ठीक है। गए, बालक ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं, यस, तो क्या लगाओगे इसमें, सही का निशान लगाओगे। घे, बालक सारे दुर्गुणों को अपनाना चाहते हैं, क्या नहीं अपनाना चाहते ना, तो क्या आएगा इसमें, रॉन्ग, गलत का निशान लगाएंगे। अणे, बालक ईश्वर से लंबी आयु की कामना करते हैं, तो क्या आएगा, सही का निशान आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बुक में ही फील करना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसका कह है, बालक स्वयं को किससे दूर करना चाहते हैं, बालक स्वयं को किससे दूर करना चाहते हैं, मित्रों से, माता पिता से, विद्यालय से, दुर्गुणों से। तो आप लोगों को वन ऑप्शन में आंसर करवाते हैं ना, तो 4th देखो, ये देखो मैंने आंसर लिखा है, कह दुर्गुणों से, और क्या लगाओगे यहाँ पे, 4th नंबर लिख दोगे आंसर, ठीक है। खै है, बालक ईश्वर से कामना करते हैं, किसकी कामना करते हैं, योग्य बनने की, अयोग्य बनने की, दुराचारी बनने की, अपकारी बनने की।
तो क्या आएगा इसमें, योग्य बनने की कामना करते हैं बालक, तो क्या लिखोगे, योग्य बनने की और फर्स्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, गए बालक किसके इच्छुक हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान के, अज्ञान के, धन के, लाड प्यार के। तो किसके इच्छुक है बालक? ज्ञान के। तो कैसे लिखोगे, ज्ञान के और ऑप्शन में लिख दोगे फर्स्ट। ओके, फोर्थ है बालक किसके लिए अपनी आयु नौछावर करना चाहते हैं? धर्म के लिए, नीति के लिए, देश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा इसमें, देश के लिए, ऑप्शन थर्ड। ये आप लोगों को सबको समझ में आया? ओके, आप लोगों को सबको मैंने बता ही दिया है कि मौखिक वाला है बुक में करना है क्वेश्चन नंबर, लिखित वाले का फर्स्ट एंड थर्ड आप लोगों को नोटबुक में करना है, ओनली चैप्टर लिख के पार्ट फर्स्ट एंड डेट डाल के। सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये आप लोगों को बुक में ही फिल करना है। ठीक है, जब आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको सबसे पहले लर्न करना है। लर्न हो जाए तो अपने पेरेंट्स को बोलना कि हमारी कॉपीज है वेनसडे या सैटरडे को स्कूल में सबमिट करवानी है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे को आपको यहाँ से वापस अपनी कॉपीज लेकर जानी है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।